मेरा जो माने मैं तो अर्ज करूं लाज शर्म शब आने की मेरी अर्ज करूं गुरु चरना मेरा तुझो गुरु राम जी महाराज की अनंत श्री दरियाओ जी महाराज की श्री पूर्णदास जी महाराज की श्री आनंद राम जी महाराज की श्री हरिनारायण जी महाराज की आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज की श्री बाणी जी महाराज की राम धाम रे संकोच ना करो सभी प्रेम से बोलो राम। सर्वप्रथम राम सनई धर्म के आदि आचार्य अनंत श्री दरियाव जी महाराज और श्री वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि शह दंडवत प्रणाम करके और उस दिव्य आत्मा हरिनारायण जी महाराज की आत्माओं को याद करके प्रणाम करके अपने बीच में विराजमान रामसनी संप्रदाय रेण आदि आचार्य दरियाव जी महाराज जिनकी गादी पीठ पर विराजमान वर्तमान आचार्य श्री सज्जन राम जी महाराज साहब विराजे हुए संतों भाइयों माताओं और बहनों राम जी महाराज की कृपा से गुरु महाराज की मेहर और दया से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से बहुत ही सुंदर आज पूर्णिमा के दिन आप हम सब लोगों को पूर्ण परमात्मा की चर्चा श्रवण करने का शुभ योग मिला है। बहुत सुंदर दरिया साहब के वचन है या जितने भी सत्संगी गुरुमुखी भाई बहन विराजे हैं बैठे हैं सब दरियाव जी महाराज की प्रेरणा जीवन चरित्र वाणी वचन और ध्यान के द्वारा सब लोग परमात्मा में लगे हुए हैं। राम सनई संप्रदाय के मूल बीजक जो राम नाम को अपने हृदय तक पहुंचाने वाले राम नाम का प्रचार करने वाले राम नाम को जानने वाले राम नाम की शक्ति और प्रभाव को आगे बढ़ाने वाले अनंत रूपोषित अनंत श्री दरियाल जी महाराज के हम सब बाल बच्चे हैं। हमारे महापुरुषों ने ऐसा सुंदर शब्द दिया है दरियाल जी महाराज परमात्मा है परमात्मा की जैसी चर्चा हम सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि जिज्ञासु को कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। दरिया साहब का इष्ट कितना मजबूत है मैं अर्ज करूं गुरु थाने चरणा में राको माने हेलो प्रगट कहूं या छाने पर मेरी लाज शर्म सब है थाने। अपने गुरु महाराज अपने परमात्मा को अपनी आवाज सुनानी चाहिए अपनी प्रार्थना करनी चाहिए अपनी प्रार्थना में ऐसी ताकत होनी चाहिए
कि अपनी परम प्रार्थना अपना गुरु अपना परमात्मा श्रवण करे, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना दो प्रकार की है, एक प्रार्थना होठ से करी जाती है, एक प्रार्थना कंठ से करी जाती है, हृदय से करी जाती है। ये दरियाल जी महाराज के जो शब्द हैं, ये होठों की प्रार्थना नहीं है, ये हृदय की प्रार्थना है, हृदय के शब्द हैं। जब कोई व्यक्ति हृदय से प्रार्थना करता है, हृदय से परमात्मा को याद करता है, हृदय से गुरु चरणों में प्रीत करता है, उनकी भक्ति तरोतर वृद्धि होती है, बढ़ती है। बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं आवाज हृदय से करो। हम लोग दृष्टांत देते हैं, कई बार एक बहन जिनके पीहर में पिता माता या भाई गुजर जाए, वह बहन ससुराल से जब पीहर में शोक प्रकट करने के लिए जाती है, उन बहन के साथ उनकी देवरानी जटानी हो भी जाती है। जब वह बहन अपने घर में प्रवेश करती है, तो जिनका पिता या जिनकी माँ या जिनका भाई गुजरा है, और वो जब रुदन करती है और साथ में गई रोती वो भी रुदन वो भी करती है, लेकिन उनके हृदय में दर्द नहीं है। दर्द उन्हीं के है जिनके नजदीक में गया है कोई, और उनकी आवाज और उनके रुदन से पता चल जाता है कि ये हृदय से रो रही है, इनके कोई नजदीक में चला गया है। ऐसे ही जो हमारी प्रार्थना है, वो हृदय की प्रार्थना, दिल की प्रार्थना का परमात्मा और संत सदगुरु को अपने आप महसूस हो जाता है कि इसकी हृदय की प्रार्थना है, इसकी दिल की प्रार्थना है। यदि आप होठों की प्रार्थना करोगे तो जिंदगी भर आपकी कोई प्रार्थना सुनने वाला नहीं है। आप हृदय से प्रार्थना कर लो। महापुरुषों ने लिखा है, सच्चे हृदय से जो प्रार्थना सच्ची दाय है, उस भगत की प्रार्थना भगवान के कान में पहुंच जट ही जाय है। तो सज्जनों, दरिया साहब के इस शब्द में क्या कहते हैं, मैं अर्ज करूं गुरु थाने चरणा में रख माने, हेलो प्रकट करूं या छाने, मेरी लाज शर्म सब है। आप अपने सब की डोर अपने गुरु चरणों में सौंप दो, अपने दरिया साहब के चरणों में सौंप दो, अपने गुरु धाम के चरणों में सौंप दो, अपने परमात्मा के चरणों में सौंप दो। और अपना हमेशा ये वचन निकलता रहे, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव ये करते रहो तज माया अभिमान। बोलो राम। मात पिता सुत भ्राता, ये संसार के जितने भी रिश्ते रिलेशन है, ये थोड़े दिन के रिलेशन है, कुछ क्षणों के रिलेशन है, कुछ दिनों के बाद हमारा और इनका ऐसा बिछुआ होगा, ऐसा ऐसी दूरी बन जाएगी कि लाख जन्म में भी हमें ये लोग वापिस मिलने वाले नहीं है। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाल, अब के बिछड़े नहीं मिलोगे दूर पड़ोगे। हम जो यहां बैठे हैं, हमारा संत चरण गुरु धाम के अंदर परमात्मा के अंदर चित्त लगा हुआ है, हमारी मंजिल वो हो जाएगी जब कभी भी बिछड़ना नहीं होगा। और यदि उनके अलावा यदि हमारा ध्यान चला जाता है, बिछड़ गए तो कहीं मिलना होने वाला नहीं है। मात पिता शुक्र भ्राता, सब स्वार्थ का है नाता, एक तारण तिरण गुरु दाता, जिनका चार भेद जस गाता। गुरु एक शब्द ऐसा है, गुरु नाम अंधकार, रो नाम प्रकाश। हमने जिस दिन से सदगुरु का दर्शन किया, हमने जिस दिन गुरु महाराज के चरण कमलों में मस्तक झुकाया, हमने जिस दिन हमारे ऊपर गुरु महाराज ने अपना हस्त कमल रखा, उस दिन से हमारा जीवन जग गया, हमारी सोई हुई वृत्तियां जग गई। आज वही वृत्तियां उस परमात्मा का चिंतन करती है, उन दरिया साहब के उस स्वरूप का चिंतन करती है,
उस रेण धाम के उस देवल में चली जाती है जहां पर हजारों लोग वहां जाकर के निवन मस्तक और दंडवत करते हैं और हजारों लोगों के जीवन में भक्ति का अंकुर पैदा होता है। ऐसे संतों के चरणों में जब हम पहुंचते हैं, हमारी रग रग नारी नारी उस परमात्मा के लिए लालायित हो जाती है, दलित हो जाती है, करुणित हो जाती है। बहु सागर भरियो भारो, अब मुझे नहीं सूझे किनारो, गुरु गठ में दया बिचारो है। आप दया करो मैं डूब रहो मंज धारो, गुरुदेव आप दया बिचारो। हमारे महापुरुषों में इतने सुंदर शब्द है, दरिया साहब का एक शब्द, हमारे महाराज कहते हैं भव सागर में डूबत देख कर सतगुरु फेंकी डोर, अब जो शिष्य पकड़े नहीं तो सतगुरु का क्या जोर। संतनों को डोर फेंक दी, बोले ये राम का नाम है इसको तुम पकड़ ले, ये राम नाम की सीढ़ी है उस देश में जाने के लिए। अभी आपने भजन श्रवण किया, अमर लोक बांधा वो हंस जासी, जो सतगुरु जी का गुण गावे मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी, यो छिल छिल आवे। ये बात यह सटीक काम करती है, बहु सागर भरियो भारो, अब मुझे नहीं सूझे किनारो, मैं डूब रहो मंज धारो, गुरुदेव आप घट में दया बिचारो। भजन आता है दया करो गुरु शिष्य को तारो, और भरम करम मेरी ममता मारो, हे गुरुदेव आप दया करोगे तभी हमारा कल्याण होगा और हमारा प्रेम सदा आपके श्री चरणों में बना रहे, हमारी आस्था डगमगाए नहीं, हमारा धैर्य नहीं डगमगाए। हम कई बार दृष्टांत देते हैं कि आस्था भाव श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, एक फूस जैसी कचरा जैसी होती है, एक पेड़ जैसी होती है और एक बाढ़ जैसी होती है। हमारे गुरुधाम के प्रति, हमारे गुरु महाराज के चरणों के प्रति, हमारे उस धर्म के प्रति और राम नाम के प्रति हमारी दृढ़ भावना होनी चाहिए, हमारी कचरा जैसी भावना नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा छोटा कचरा है, थोड़ी सी हवा लगती है तो एक जगह से उठ करके दूसरी जगह चला जाता है।